हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। बात करेंगे स्कॉलरशिप को लेकर। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया था और हमारा ट्विटर कैंपेन नंबर वन ट्रेंडिंग पर इस समय चल रहा है इंडिया में, ठीक है। तो देखिए क्या अपडेट्स निकल के आई हैं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि आप लोगों की स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं योगी जी के पास बात पहुंच रही है, स्कॉलरशिप आ सकती है। जो पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन करें ताकि आपको सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिल सके। सबसे पहले आप देख सकते हो ट्विटर पर, आप आके देखोगे तो इंडिया में नंबर वन ट्रेंडिंग जो चल रहा है योगी जी स्कॉलरशिप दो है जी, योगी जी स्कॉलरशिप दो और स्कॉलरशिप दो। तो भैया योगी जी को स्कॉलरशिप देना ही पड़ेगी, ठीक है, वेट कर लो आप लोग, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के पेपर में अपडेट निकला हुआ है 90,000 से अधिक छात्रों ने ट्वीट किया, लेकिन मैं बता दूं 90,000 से अधिक अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में आपको दिखा रहे हैं 95.7 हज़ार स्टूडेंट ने यहाँ पर ट्वीट किया है स्कॉलरशिप को लेकर, ये बता रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 5,000 से अधिक छात्रों ने ट्वीट किया है और इस बार 60% से अधिक छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, 60% से अधिक बच्चों की नहीं आई अभी तक, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है, कहने का मतलब ये मुद्दा सरकार के पास पहुंचना चाहिए लेकिन बच्चे घबरा रहे हैं, ठीक है। अगली अपडेट देख सकते हो, ये अपडेट कल आई थी बट मेरे को कल टाइम ही नहीं मिल पाया था वीडियो बनाने का। आप यहाँ पर देखते हो फीस भरपाई के लिए 900 करोड़ की यहाँ पर दरकार लगाई गई है। इसमें बताया जा रहा है 92,000 बच्चे वंचित रह गए। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक बच्चों का लाभ दे सकें, जिसमें देख सकते हो आप लोग फीस भरकाई में लग गए रुपए और यहाँ पर 92,000 रुपये, मतलब 92,000 बच्चे वंचित रह गए हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप को लेकर स्किप ना करें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 12,000 OBC के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिए गए, 12 लाख छात्र छात्राओं को दिए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो 200 करोड़ रुपये मिले और 80 करोड़ रुपये सरकार ने दे दिए थे। पूरा आर्टिकल पढ़ लेना अच्छे से, मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा या फिर यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब बजट ख़त्म हो गया है तो हम लोगों ने अपना ट्विटर कैंपेन चलाया था, तो आप लोग वहां पर आराम से सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट करते रहो। देख सकते हो आप लोग संकट, बजट की कमी से लाखों छात्रों की स्कॉलरशिप फंस गई है। यहाँ पर देखिए 1300 करोड़ रुपये कम पड़ गए फीस के लिए, देख सकते हो आप लोग ये ऐसी ऐसी अपडेट निकल कर रही, 450 करोड़ रुपए कम पड़ गए हैं आपकी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन सरकार को बजट लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाएं। देख सकते हो 1.65 लाख छात्रों का डाटा है, फॉरवर्ड करना भूल गए अफसर, बताओ जब डाटा फॉरवर्ड करना अफसर लोग भूल रहे हैं तो बताइए कैसे काम चलेगा। लापरवाही आ रही है SC वर्ग के छात्रों के लिए, जो SC वर्ग के छात्र हैं उनके लिए वेबसाइट पुनः खोली गई है और उनकी जो डेट है अब 27 अप्रैल तक अपना डाटा फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये तो आपने देख लिया होगा। तो चांसेस है कि इन लोगों की स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है, पूरा आर्टिकल आराम से पढ़ सकते हो। देख सकते हो अगली अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, लवीवी के फंड के अभाव में फंसी छात्रों की छात्रवृत्ति, सोशल मीडिया पर छात्रों ने अभियान छेड़ा है, ये भी देख सकते हो अखबार में हमारी बात उठ रही है हम लोगों की, जो हमने अभियान छेड़ा था, ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए 700 आवेदन स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो हर जगह, आप देख लीजिएगा हर जगह ये अपडेट आई है। और जो SC वर्ग के छात्र छात्र हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वो अब देख सकते हो 27 तारीख तक उनका फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, कॉलेज लेवल पर फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, नोटिस भी निकाला गया है। तो हमारे जो सर जावेद मुस्तफ़ा जी कह रहे हैं ट्विटर चलाने से छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, छात्र नेता अगर बचे हैं तो उनसे जगाना होगा और लाखों छात्रों की बात मंत्री को पहुंचानी होगी, कंगाली के किसी छात्र को स्कॉलरशिप ना दे सकें। कहने का मतलब ये है आप लोगों को, जैसे बहुत सारे छात्र नेता संघ होते हैं तो भैया उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, हम लोग पूरी मतलब कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप लोगों को ज़रूर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और जो अपडेट आएंगी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, देख सकते हो इस तरीके की। फिलहाल हम लोग ट्रेंडिंग पहुंच गए हैं, आप लोग वेट करते रहो। और स्कॉलरशिप की बात करें तो आप वेट ही कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैं क्या कहना चाहूँगा बताइए, वेट कर लो, जैसी आना होगी तो आ जाएगी, अदरवाइज गवर्नमेंट ने कह दिया कि फंड खत्म हो गया है, हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेंडिंग ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।